आप सबको गोपाला जी का नमन। देखिए, कोई घर से बाहर निकलता है ना, आज की इस आपाधापी में आप देखते हैं कितनी मारामारी है। घर के हर एक परिजन चिंतित रहते हैं कि किस तरीके से कोई सकुशल घर लौट के आए। ऐसी आजकल की परिस्थिति, विशेष रूप से महिलाएं और वो पति उनके जो जोखिम भरे कामों से निकलते हैं, बिजली विभाग से जुड़े हुए हैं, ट्रेन में अप एंड डाउन करते हैं, एरोप्लेन में हैं, मेडिकल प्रोफेशन में हैं, पुलिस सर्विसेज में हैं, आर्मी सर्विसेज में हैं, जो ऐसे लोग हैं बहुत सारे जो एक्टिव जोन में जिनकी पोस्टिंग करी हुई है, हर दिन चिंता का विषय बने रहते हैं। कितना सीरियस, कितनी जोखिम भरी जिंदगी होती है उनकी, हर समय 24 घंटे रिस्क इन्वॉल्व रहता है। ऐसी महिलाएं अपने पति के सुहाग की कामना के लिए बहुत सारे क्रम उपक्रम करती हैं, अपने अपने तरीके से, जैसी जिसकी श्रद्धा है, जैसी जिसकी सुविधा है। देखिए, अगर लाल किताब में जाते हैं, अरुण संहिता में, अरबी की किताब सब लोग जानते हैं, इसके टोटके इसके उपाय बहुत ही चर्चित हुए हैं, अगर उन पे जाता है तो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में पति के सौभाग्य के लिए और पति के शुभत्व के लिए, पति के अपने दीर्घायुष्य के लिए और उनकी सुरक्षा के लिए विशेष रूप से कवच की तरह काम करते हैं ये। देखिए, जहाँ पूजा पाठ विधियों में जाते हैं तो पूजा पाठ के मैंने इसके तरीके दिए हैं, हमारे आध्यात्मिक गुरु सद श्री अद्वैताचार्य जी महाराज, इनके मैंने उपाय दिए थे, कवच मैंने बनवाए थे, वो बड़े कारगर सिद्ध होते हैं। उसमें जाते हैं अगर लाल किताब के उपाय में जाते हैं आप, तो मैंने बड़ा सरलीकरण किया इसका, मेष राशि से लेके मीन राशि तक 12 राशि वाली हर महिला के लिए मैंने अलग अलग 12 वीडियो बना दिए। तो जिसकी जो राशि है अपनी राशि के अकॉर्डिंगली वो फलादेश देख सकता है, अपनी राशि के अकॉर्डिंगली वो टोने टोटके उपाय चुन सकता है और अपने सुहाग की रक्षा कर सकता है, पति के लिए सुखकारी सिद्ध होंगे ये वाले उपाय। इसमें करना क्या है, देखिए, राशि अगर मान लीजिए आपको अपनी जन्म की राशि पता है तब आपको अपना लगन निकल आएगा। लगन अगर जन्मपत्री में देखते हैं तो आप देखेंगे कि टॉप में जो टॉप मोस्ट अंक अंकित होता है वहाँ पे 1 से लेके 12 तक कोई भी अंक हो सकते हैं। ये जो अंक हैं ये क्रमशः इंडिकेट करते हैं मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि। जो राशि के अंक हैं इसी क्रम में उनकी राशियाँ होती हैं। मान लीजिए जैसे वहाँ पर 8 अंकित है अगर, तो उसके वृश्चिक राशि हुई, 1 अंकित है तो मेष राशि हुई। एक तो ये तरीका हुआ, मगर बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता होगी, अपनी लगन पता नहीं होगी, तो लगन पता नहीं है तब फिर वो अपनी राशि नाम राशि जो है, और नाम राशि भी वो वाली नाम जिस नाम से उनका विवाह संस्कार हुआ था, वो वाला नाम लेके उससे जो राशि निकलती है उस राशि को लेके आप अपना फलादेश, आप अपने उपाय इस वीडियो के अकॉर्डिंगली चुन सकती हैं और पति के लिए शुभ कारक सिद्ध हो सकती हैं। इसलिए मैंने एक एक करके दे दिया। और देखिए, ये भी आपके लिए अच्छा होगा कि मान लीजिए कोई आपकी जो आपकी राशि है उस राशि से अलावा जो अन्य 11 राशियां हैं उन राशियों से संबंधित आपका कोई रिलेटिव है, आपका कोई इष्ट मित्र है, आपका कोई परिजन है, या आप किसी की वेलविशर बनना चाहती हैं उसको भी आप फॉरवर्ड कर सकती हैं। तो अगर आपके लिए यूज़फुल नहीं है वो, उसके लिए यूज़फुल हो सकता है। और अदरवाइज ऑल्सो सुहाग के लिए, शुभत्व के लिए और उनके उनके और बेनिफिट्स के लिए उपाय ये वाले करते हैं महिलाएं तो शुभ सिद्ध होंगी। देखिए, आप लोग देखते रहिए, 1 से लेकर 12 तक मैंने बिल्कुल बहुत ही सरलीकरण विधि में कर दिया। इसके कुछ नियम हैं, थोड़े से नियम भी बहुत क्लिष्ट नहीं है, बहुत सरल से 2-3-4 बता देता हूँ आपको। एक तो मॉर्निंग में अर्ली मॉर्निंग जैसे सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक ये कभी भी उपाय करें आप, एक बार में एक उपाय पकड़ें, एक ख़त्म हो जाए तो दूसरा ले लें, दूसरा ख़त्म हो जाए तो तीसरा ले लें। इनकी अवधि होती है 8 दिन या 43 दिन। कोई भी उपाय अगर आप टेकअप कर रहे हैं उसको कंटिन्यूसली 8 दिन या 43 दिन आप करें, फिर उसको छोड़ दें, फिर दूसरा पकड़ लें। उपायों में एक समस्या आती है जल में प्रवाह करने वाली बात। बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पे जल की सुविधा नहीं होती, उसका फिर विकल्प ये हो सकता है कि वो जो चीज़ें हैं जैसे मान लीजिए नारियल विसर्जित करना है, सिक्के छोड़ने हैं, फूल विसर्जित जल में छोड़ने हैं, तो वो फिर जमा करते रहें। जैसे मान लीजिए आपने 8 दिन का संकल्प पकड़ा या आपने 43 दिन का संकल्प पकड़ा, तो वो आप जमा करते रहें।
जब आपके 8 दिन पूरे हो जाएं, 43 दिन पूरे हो जाएं, तो फिर वो एक साथ जहाँ भी जल की सुविधा हो वहाँ विसर्जित कर दें। इसका फिर कोई विकल्प नहीं है। देखिए, बहते हुए पानी का लाल किताब में बहुत उपयोग बताया गया है। बहते हुए पानी का मतलब बहते हुए पानी, यानी कि हमें ये भावना मन में रखते हैं, कोई भी चीज़ जल में प्रवाह करवाते हैं हम, कि हम अपने कष्ट, अपने पाप पानी में हम बहा रहे हैं, हम दूर बह के जा रहे हैं। इस भावना से हम देखते रहते हैं जल को, कि जल के प्रवाह के साथ हमारे कष्ट सारे सारे भी बह के जा रहे हैं, ये उद्देश्य होता है। बहुत सारे ऐसे होते हैं जहाँ पे नाली में डालना है, गंदे पानी में डालना है, कुएं में डालना है, वो फिर एक अलग चीज़ें हो गई। तो इतना सा सरल सा, और फिर पूजा के लिए अपनी अपने तरीके जो आप अपने पूजा पाठ करती हैं उनके साथ उसमें ये भी आप जोड़ सकती हैं। एक राशि वाले के लिए मैं दे रहा हूँ, और ये देखिए कौन सी राशि है, इसके अकॉर्डिंगली। और बस एक रिक्वेस्ट होती है कि आपको अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉरवर्ड करें। नोटिफिकेशन बेल छोटा सा आता है ना, इसमें प्लीज़ ज़रूर क्लिक कर दिया करें, इससे आपको हमारे रेगुलर अपडेट्स भी मिलते रहेंगे। देखिए, यहाँ पे मैं आपको बताऊँगा उन महिलाओं के लिए जिनकी कर्क राशि है या जिनकी कर्क लगन है, वो ये छोटे छोटे से उपाय प्रयोग करें तो उनको बहुत अच्छा लगेगा। देखिए, ये दान में अगर विश्वास करती हैं आप, तब गेहूं का दान, गुड़ का दान, तांबे का दान सबसे अच्छा होता है। तांबे का पात्र ले लें आप, उसमें गुड़ भर दें, उसमें आप थोड़े से गेहूं भर दें, अब वो पात्र गुड़ सहित और गेहूं सहित किसी को दान कर दें। दान किसको करना है, कब करना है, कैसे करना है, ये लंबे चौड़े विधान हैं, मगर वो उसमें जाएंगे तो फिर समय लगेगा कि कौन पात्र है दान लेने का। अगर अपने मन में तो आप सोचिए कि आपने अपनी तरफ से दान कर दिया, अपना कर्म आपने पूरा कर दिया, बस इतना सब मात्र। पितरों के नाम का ज़रूर कुछ ना कुछ करें। पितरों के लिए बहुत अच्छे अच्छे मैंने वीडियो दिए हुए हैं, बड़े सरल वीडियो दिए हुए हैं, उनको अगर आप अपनाती हैं तो पितरों के लिए बड़ा शुभ रहेगा। अगर पितरों की प्रसन्नता आपने बटोर ली तब पारिवारिक सुख शांति कहीं दूर नहीं रहेगी आपसे। सूर्य से संबंधित जो भी चीज़ें हैं, देखिए लाल चीज़ें होती, गेहूँ है आपका, लाल दाल है, लाल रंग का कपड़ा है, तांबा है, इन चीज़ों का आप धर्मस्थल में दान करें। अगर कहीं आप मंदिर में जाती हैं तो प्रयास करें, जो मैंने दिन निश्चित करे हैं, सुनिश्चित करे हैं, दिन 8 दिन, 43 दिन, उन दिनों में जब कोई प्रयोग आप नहीं कर रही हैं या कोई प्रयोग कर रही हैं आप मंदिर से रिलेटेड, नंगे पैर आप जाएं धर्मस्थल में, ये बहुत अच्छा लगेगा आपको। माँ हो आपकी, आपके कोई घर में और बुज़ुर्ग महिला हो, उनसे थोड़े से चावल ले लीजिए आप, चावल चाहे चौथाई चम्मच हो, आधे चम्मच हो, एक चम्मच हो, इनको कोई चांदी की डिब्बी हो, कोई पीतल की डिब्बी हो, कोई स्टील की डिब्बी हो, छोटी छोटी सी डिब्बी आती है ना, उनमें भर लीजिए आप, और भर के अपने कहीं मंदिर में रख लीजिए, अपने कहीं वैलेट बॉक्स में रख लीजिए, अपने साथ कहीं आपका ऑफिस है, ड्रॉअर है आपकी, जहाँ भी आपका अपना कोई वैल्यूएबल्स रखती हैं आप, वहाँ पर डिब्बी रख दीजिए। ये एक विग्रह बन जाएगा आपके लिए, ये एक कवच की तरह काम करने लगेगा, बस इसको करके भूल जाइए, करना कुछ नहीं है। एक ये नियम देखिए ज़रूर बना लीजिए कि कभी ट्रेवल पे निकलती हैं, जाती हैं, बाहर जाती हैं घर से, और कहीं कोई नदी दिखाई देती है, कहीं कोई आपको रिवर दिखाई देती है, वहाँ पे कुछ तांबे के सिक्के ज़रूर प्रवाह कर दिया कीजिए। अगर खाने में आप एक चांदी का छोटा सा बर्तन आप मिला लेती हैं, है ना, कोई अगर मान लीजिए बर्तन बड़ा नहीं ले सकते तो इवन चम्मच छोटा सा ले लीजिए, बच्चों के छोटे छोटे से चम्मच आते हैं वो थाली में रख लिया कीजिए, और उससे खाना खा रही तो एक मुंह में स्पर्श कर लिया वाला। तो ये चांदी का पात्र, चांदी का बर्तन, चांदी का चम्मच अगर आपसे मुंह से लगेगा, ये आपको बड़ा अच्छा लगेगा। इससे जो आपका बेड है, इस बेड में आप ऐसा कीजिए कि तांबे के सिक्के आते हैं, और अगर तांबे के सिक्के नहीं आते तो किसी आप जो ये सुनार होते हैं या जो लोहे का काम करते हैं, इनके पास तांबे की शीट होती है, इस तांबे की शीट में से आप छोटे छोटे से 4 टुकड़े करवा लीजिए, चाहे वो स्क्वायर हो, चाहे वो आपके गोल टुकड़े हों, और ये 4 टुकड़े आप बेड के 4 कोनों में, चाहे उनको आप स्टिक कर दीजिए या उनको नेल कर दीजिए, या आप ऐसे ही रख दीजिए, अगर ऐसे ही रख देंगे तो गिर जाएंगे, अच्छा उनको आप कहीं उनको इस तरीके से चिपका दें, बहुत सारे ऐसे एडिसिव आते हैं जिससे चिपक जाएंगे। देखिए, भेद बता देती हैं बहुत सारी महिलाएं मैं देखता हूँ, तो कोशिश करें कि सीक्रेट्स अपने जो भी हैं लाइफ के, है ना, कॉन्फिडेंशियल रखें, अपनी बातें जनरली, अपनी बातें जल्दी किसी से शेयर नहीं करें। एक मैं सबसे अच्छा उपाय बताता हूँ कर्क लगन वालों के लिए, कर्क राशि वालों के लिए। अब तो रिवाज ही ख़त्म हो गया, कहीं लोग प्याऊ लगवाते थे, वो तो
पॉसिबल है नहीं, मगर जो पॉसिबल है वो भी नहीं करते। देखिए लाखों के, अरबों के, करोड़ों के घर बनवा लेते हैं, बड़े बड़े मॉकअप्स बनवा लेते हैं, बिल्डिंग्स बनवा लेते हैं, एक छोटा सा पात्र जानवरों के लिए, चिड़ियों के लिए, पक्षियों के लिए किसी के मन में नहीं आता कि रखते हैं। मंदिर में मैंने कई जगहों लोगों से कहा जो सेठ हैं, साहूकार हैं, मैंने कहा इतना पुण्य का तुम काम करते हो, इनके देखो बेचारों की तरस आता है देख के, कुत्ते बेचारे मतलब उसके उनका प्यास के मारे उनका जवान सूखी जाती है, उनके मुँह से देखो झाग निकलती है जानवरों के मुँह से, गैया बेचारी बैठी रहती हैं पानी को तरसती हैं। अगर मंदिर के पास एक आदमी करोड़, दो करोड़, दस करोड़ का बना रहा है तो 5-10 रुपए का एक हौदी बनवा दे पानी के लिए, ये पुण्य करिए। अगर मान लीजिए खुद नहीं आप कर सकती तो कम से कम इंस्पायर तो कर ही सकती हैं। हर लोगों के संपर्क में कोई ना कोई ऐसे ज़रूर दानी व्यक्ति होते हैं, ऐसे दयावान व्यक्ति भी होते हैं जो बात सुनेंगे आपकी, और अगर आपने इस तरीके से पानी की व्यवस्था किसी जानवर के लिए कर दी वो बहुत अच्छा आपको लगेगा। देखिए किन्नरों को ज़रूर प्रसन्न करने के उपाय कीजिए आप, किन्नरों को प्रसन्न करने का मैंने एक उपाय भी दिए हैं, आप चाहें देख भी सकती हैं, और फिर जो तरीका अपना प्रसन्न करने के तो बहुत सारे तरीके होते हैं, तो उनका आशीर्वाद आप बटोरें। नाक में खाली मत छोड़ें, अगर नाक अगर आपकी नहीं उसमें छिदी हुई नहीं है नाक तब तो एक अलग बात है, और अगर छिदी हुई है तो नोज पिन ज़रूर पहने आप, और अगर आपको शौक है नोज पिन पहनने का छिदवाना है तो आप छिदवा भी सकती हैं उसको। किन्नरों को मैंने बताया था कि आप हरे रंग के प्रसाधन आप उनको भेंट कीजिए, गिफ्ट कीजिए उनको, इससे वो प्रसन्न होंगे। कर्क लगन वाली जो महिलाएं होती हैं इनके लिए शनिवार और बुधवार दो दिन शुभ हैं इनके लिए। इनके लिए सैटर्न और मरकरी ये दो प्लैनेट्स योग कारक हैं, सौभाग्य देने वाले हैं इनको। जो भी इनके उपाय कर सकती हैं इन दिनों में, पूजा से, पाठ से, अपने और बहुत सारी चीज़ें हैं टोने से, टोटके से, जिस तरीके से भी कर सकती हैं। अगर पूजा में आप अपनी जो भी करती हैं अपनी एक्स वाई जेड उससे मतलब नहीं है, हनुमान जी की पूजा उसमें ज़रूर ऐड कर लीजिए। हनुमान जी की पूजाओं में बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे तरीके हैं, उनको जो भी आपको सरल लगे और जो आपकी अपने ज़बान पे चढ़ जाए, जो आपकी जिसको आप आत्मसात कर लें, जिसमें आपको सुख की प्राप्ति हो, लगे आपको कि हाँ मैंने आज ये कर्म किया, उस टाइप की पूजा, या हनुमान जी के लिए कोई आप चुन लीजिए उसको आप कीजिए। आप देखिए छोटे छोटे से उपाय मैंने बताए, बड़े अच्छे लगेंगे आपको। और एक बस रिक्वेस्ट कि अगर मान लीजिए आपकी तो कर्क राशि है या कर्क लगन है, बाकी जो और 11 राशियां हैं, आपके कोई फ्रेंड हैं, आपके कोई नियर डियर्स हैं, आपके कोई और परिजन हैं आपके, और वो नीडी हैं अगर, तो आप उनको ये प्लीज़ ट्रांसफ़र कर सकते हैं। मैंने 12 वीडियो बनाए हैं, जिसकी जो राशि है उसके अकॉर्डिंगली वो वाला वीडियो आप उनको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक्स फॉर हियरिंग गोपाला जी।